हमारी जो यूनिफॉर्म्स पे जो आप बता रहे थे कि रिलैक्सेशन हो गई है ये भी आ, सर्दी की वजह से <laughs> और पता नहीं कितनी को सर्दी सर पड़ गई है इस दवा के

कि भाई बहुत ठंड है और मतलब ड्राई फ्रूट की फरोख्त ज़्यादा हो गई यूनिफॉर्म में रिलैक्सेशन बहुत जरूरी थी इन एनी केस ठंड है या नहीं है खासतौर पे बोर्डर्स के लिए ये जो स्कूल्स होते हैं ना जिसमें बोर्डिंग स्टूडेंट्स होते हैं कि ऊपर जो है वो स्वेटर भी पहना हुआ है स्वेटर के ऊपर ब्लेजर भी पहना हुआ है नीचे निक और भाई आप जिस जिस स्कूल का हवाला दे रहे हैं उन्होंने डेंगी के बाद से वो निकल बंद कर दी है पहनती है लेकिन वो किया उन्होंने ये जी के इसमें से थोड़ी सी उन्होंने नरमी दिखाई है कि आपके अगर आपने अपने आप को कवर अप करना है तो आपने घर में जो आप कपड़े पहनते हैं टू तो कवर आप कोई जैकेट होगी कोई टोपी होगी कोई स्काफ़ हो गए ग्लव्स हो गए बाकी चीज़ें होगी वो आप पहन के स्कूल भी आ सकते हैं जो कि ठीक है लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर ये प्राइवेट स्कूल्स की हद तक ये की जा रही है चीज़ तो तो तो, तो तो अपना हीटिंग का सिस्टम बेहतर कर लें देखिए फिर वही बात है ना ये यहाँ पे पॉलिसी बनती है तमाम पंजाब के लिए पंजाब भर के लिए ऐलान हो जाता है स्कूल खोल दो स्कूल बंद कर दो तो, ये पंजाब भर के करने वाला ऐलान ही नहीं है लोकल गवर्नमेंट इसलिए ज़रूरी है देखिए वो जो है ना कि सर्दी ज़्यादा है या कम है 160 स्कूल पंजाब में ऐसा है जो कि बना भी डोनर्स के पैसों पर था और वो बने भी ठीक नहीं उनकी छतें लीक कर रही हैं उनके बच्चों को ओपन एयर में पढ़ना पड़ता है अब ओपन एयर के लिए तो ज्यादा सर्दी है ना ओपन एयर में तो आप हीटिंग भी नहीं कर सकते अच्छा अगेन आप उनको फैसला करने देते हैं उन इलाके के ब... स्कूल वालों को के या इंतजामिया को कि यार ये स्कूल या इस इलाके के स्कूल नहीं खुलेंगे जहां पे हीटिंग का इंतजाम है एसी में लोग बच्चे बैठते हैं वहाँ पे आप खोल लें अच्छा इस पे इनका एतराज़ ये आता है कि जी हमने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आनी है क्योंकि अगर किसी जगह पर स्कूल खुले होंगे और किसी जगह पर स्कूल बंद होंगे तो होगा ये कि कुछ बच्चे करिकुलम में तीन महीने आगे चले जाएंगे कुछ करिकुलम में तीन महीने पीछे चले जाएंगे भाई इस मुल्क में साढ़े मिलियन बच्चा है जो स्कूल जाता है और साढ़े मिलियन बच्चा सड़कों पे है स्कूल में ही नहीं है आपको अगर, अगर अपने आधे बच्चों की फ्यूचर का कोई परवाह नहीं है जो स्कूल ही नहीं जाते तो जो स्कूल जा रहे हैं उनमें से कोई महीने करिकुलम में आगे होगा या पीछे रह जाएगा उससे क्या फर्क पड़ता है आप ये सारे इंतजामी मामला लोकल गवर्नमेंट्स पे छोड़ो ये जो एक सी एम आके कहते हैं ना कि पूरे सूबे में यूं कर दो ये नहीं ये पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता आप कैसे कर सकते हो हाँ नहीं बिल्कुल आपकी उस लिहाज से बात ठीक है कि नहीं <laughs> आप, हर और ये देखिए सिर्फ एजुकेशन की हद तक नहीं है कि हेल्थ के अंदर भी ऐसे है कि ब्लैंकेट पॉलिसीज़ का जो सारा चक्कर है वह देखें और स्कूलों की हद तक अगर आप फ़र्ज़ करें एक बच्चा जो है वो छुट्टी कर लेता है स्कूल से या छुट्टी हो जाती है सरकार छुट्टी दे देती है कि छुट्टी होगी तो वो आपके लिए तो एक छुट्टी है घर पर जो तो अच्छी बात है वो स्कूल के लिए वो को 500 सौ बच्चा हो सकता है जिसने नहीं आना वो 400 सौ बच्चा आ सकता है जिसके ऊपर वो एक अपना बजट बना बैठे हैं या खर्चा कर बैठे हैं या टीचर्स को बुला बैठे हैं जिनको उन्होंने फिर भी पे करना है अब ये होता है जी कि इतनी देर बंद कर दो अभी ये भी बात चल रही थी हमने शायद इधर ही डिस्कस की थी कि जब ये स्कूल अभी खुले हैं बुध को तो ये भी था कि नहीं जी पंद्रह तारीख को स्कूल खोलें वो तो उन्होंने नहीं किया मेरे ख्याल में प्राइवेट वालों ने कहा जी हमने सबने तैयारी करके बैठी हुई स्कूल खोल दें और लोअर क्लासेस की हद तक चले मुझे समझ आती है कि ठंड में उनको ना भेजें बट जो आपकी सेकंड ग्रेड ऑनवर्ड्स हैं अब उनको ये भी उन्होंने पॉलिसी दे दी है कि कपड़े अपने वो चले यूनिफॉर्म जो है चेंज करके आ जाए तो उनको स्कूल जाना चाहिए और अगेन दिस गोज़ बैक टू दैट सेम आर्ग्यूमेंट के जी अगर आप इन्वायरमेंटल स्टेप्स नहीं लेंगे जो हमने स्मोक का इस दफ़ा हमने तबाही देखी है इस शहर के अंदर तो अगले साल फिर अगर बढ़, से बढ़ से जाएगी भी भी तो इसका मतलब है कि सर्दियों की छुट्टियां जो हैं आपने जिस दो हफ्ते की दी है वो आप तीन हफ्ते की देंगे इससे तो आहिस्ता कुछ साल बाद स्कूल ही बंद हो जाएंगे ताकि कोई खबर रहना जाए